मेरे को क्या ये तो नहीं अभी से बच गए देख रहे हो तो बॉलीवुड रीमेक मूवीज की तरह इस वीडियो की कहानी भी सेम थी। जैसे हर चैलेंज के पहले एस्टोल के आरपीजी की एंट्री होती है, उस तरह इसमें भी यही होता है। पहली बार में राजा रानी को चिकन डिनर दिलाना होता है, लेकिन भाई बॉडीगार्ड आरपीजी से समाप्त हो जाते हैं और उसके पश्चात राजा रानी के साथ वही होता है जो सभी राजा रानी के साथ होता है। उसके बाद दोबारा चिकन डिनर दिलाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन फिर बॉडीगार्ड को एस्टोल के से बचा दिया जाता है और इस प्रकार दोबारा राजा रानी चिकन डिनर नहीं ले पाते हैं। और उसके बाद तीसरी बार प्रयास किया जाएगा अब, लेकिन भाई राजा कुछ ज्यादा पनौती लगे हमको, इसीलिए हमने राजा को परिवर्तित करके शैडो को बना दिया। और रानी तो यार अपनी स्क्वाड में एक ही रहती है, मतलब एकदम रानी को देख के फीलिंग आनी चाहिए कि रानी है। तो तुमको ही पता है कि रानी कौन बन सकता है और कौन बनने लायक है, तो हमेशा की तरह रानी वही होगी, बाकी तुम्हें कमेंट बताने की जरूरत नहीं है। तो राजा रानी को बढ़िया नए नए बेहतरीन कपड़े पहनाकर गेम में ले जाया जा रहा है, तो गेम प्ले स्टार्ट कर लेते हैं फिर। तो हे गाइस, क्या हालचाल, आई होप सारे सारे अच्छे होंगे। तो हम अगेन आ गए हैं बेहतरीन गेम प्ले वीडियो लेकर, जिसमें तबाही हमेशा दबा के होने वाली है यार। और इस गेम प्ले में हम करने वाले हैं राजा रानी बचाओ चैलेंज, मतलब बोले तो किंग एंड क्वीन सेविंग चैलेंज, यही बोल सकते हैं इंग्लिश में। बाकी को इंग्लिश की इतनी महारत हासिल है नहीं, इसीलिए जो बोल दिया वही अच्छा है। उसके बाद ये गेम प्ले एस लॉबी का है, ये बिल्कुल मत सोचना कि अभी नई नई लॉबी आई है तो उसका गेम प्ले है, नहीं नहीं नहीं, एस लॉबी का गेम प्ले है।
30-31 तारीख के आसपास बनाया गया था जब अपन एस में थे। उसके बाद उतर रहे हैं ओल्ड बेसिन, तो बकायदी खत्म करते हैं और गेम प्ले एंजॉय करते हैं यार, क्योंकि हॉट ड्रॉप खतरनाक होने वाला है। तो यहाँ पास एक बॉडी गार्ड शहीद हो जाता है, मतलब अब होने वाला है सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम प्ले, जो कि राजा रानी तो गन चला नहीं सकते हैं, वैसे पैन भी नहीं चला सकते हैं, खाली मुक्का चला सकते हैं। लेकिन भाई अब हालात थोड़े ज्यादा बिगड़ गए, तो हमने राजा को ट्रेनिंग दी कि भाई पैन चलाना सीख लो। उसके बाद हमारे यहाँ की रानी कुछ ज्यादा मॉडर्न है, मतलब गन लेके घूम रही है, तो हम बढ़िया से उसको फटकार लगाते हैं और उसकी गन चुपचाप ड्रॉप कराते हैं और राजा रानी चैलेंज को दोबारा एक्टिवेट करते हैं यार। मेरा बॉडीगार्ड कहाँ भाग गया? Watch out! तो यार राजा को ट्रेनिंग देने का फायदा हुआ, राजा ने हमको पैन मार के बचा लिया, लेकिन राजा के यहाँ चोरी हो गया क्योंकि अभी ओल्ड बेसिन में एक स्क्वाड और बैठ रखी थी। तो पहले फटाक से फर्स्ट एड ढूंढते हैं, हीलिंग करते हैं और फिर इस स्क्वाड को भी समाप्त करते हैं। बॉडीगार्ड सिक्योरिटी सिक्योरिटी लो तो यहाँ पास इस भागम भाग बंदे को बजाने के बाद और अपने दूसरे बॉडीगार्ड का शोक मनाने के बाद हमें लगता है कि भाई ओल्ड बेसिन में कोई नहीं, जो कि भाई हम सबको बजा देते हैं एक तरफ से, और हर जगह शांति ही शांति होती है। तो जब शांति होती है तो फिर राज अभिषेक भी करा ही देते हैं, तो शैडो को राजा और केपेस को रानी बना के हम यहाँ के सेनापति बन जाते हैं और आराम से लूटने लगते हैं, क्योंकि भाई अब हम सेनापति हैं तो हमको घूमने जाने का तो अधिकार है ही है, तो इसलिए हम आराम से ओल्ड बेसिन में घूमते घूमते लूट रहे होते हैं। लेकिन पता नहीं कहाँ से MP45 लेकर छुक छुक करने कहाँ से कौन सा बंदा आ जाता है, तो कहीं से भी कोई भी बंदा आया हमको क्या करना है, हमको राजा रानी को बचाना है और अपना राज भी बचाना है, तो इसलिए रिसर्च करते हैं कि बंदा कहाँ है और फिर बजाते हैं यार। मेरे पे भाई बॉडीगार्ड सिक्योरिटी सिक्योरिटी हेलो वॉच आउट रानी को हाथ लगाता है बीप बीप गंदे वर्ड यूज नहीं करने का, जो उसको अंदर रखने का, और उसके बाद उस बंदे को बजा दिया है और अपनी रानी को बचा लियो कि भाई रानी के बिना गेम प्ले नहीं बन सकता है, राजा तो मर जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझा करो रानी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? हाँ मुझे पता तुम्हारे अंदर अलग प्रकार की खिचड़ी पकती रहती है, कोई बात नहीं है। उसके बाद हम आराम से लूट रहे होते हैं, लेकिन ये रानी भाई देखो क्या होता है आगे।
ये रानी को शांति ही नहीं है, मतलब इस गेम प्ले में ये रानी इतने बार नॉक होती है, क्या कर सकते हैं, रानी के शौक भी कुछ अजीब हैं यार। उसके बाद राजा रानी दूसरे को दे रहे थे रिवाइव, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है काफी गलत साउंड कर गया ये, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का गेम प्ले में ध्यान देने का। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि रानी को दोबारा बजाने के जुर्म में निर्मल किंग को बजा दिया गया है, ध्यान से नाम पढ़ लो, ये निर्मल राज्य के राजा थे जिनको ओल्ड बेसिन के सेनापति ने बजा दिया है। उसके बाद KGF किलर 786, मतलब एक साथ 6-7 मूवी का नाम जोड़कर जिस तरह एक नाम क्रिएट किया था उस तरह इनका दिमाग भी था, मतलब आधे से ज्यादा कंफ्यूज। ये बंदा सीधे चला जा रहा है, उसके बाद मुझे लगा कि भाई मीटअप वीटअप करना चाहता है क्या, क्योंकि भाई सामने चला आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ी देर तक नहीं मारा, लेकिन भाई जब भागे तब मुझे डाउट हुआ कि ये सही नहीं है। उसके बाद इन्होंने चलाई एस्टॉल्व के, तो मेरा विश्वास जो था वो मृत्यु की ओर बदलने लग गया, लेकिन अच्छा हुआ भाई साहब ने अपना मन परिवर्तित किया और एस्टॉल्व की जगह M4 से मारने का प्रयास किया, और ओल्ड बेसिन के सेनापति इतने कमजोर नहीं कि M416 से नॉक हो जाए। तारीफ हो गई क्या, क्या करें, आधा गेम प्ले निकलने वाला था तो इतना तो बनता ही है। उसके बाद हम इसकी से अपने राज का चक्कर लगा रहे होते हैं, लेकिन ये रानी को तो शांति ही नहीं है, मतलब राज के बाहर पता नहीं कहाँ घूमने निकल ली है और कहीं से गाड़ी लेके आती है। अब गाड़ी ले ही आए तो ओल्ड बेसिन के सिवाय पूरे विरंगा में राज करने के लिए निकल लेते हैं आगे, क्योंकि जब विरंगा में राज होगा तभी तो हमारा नाम होगा यार, और नाम से याद आए कि अपने फैमिली में आने वाली रस्म को भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो जल्दी जाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल में सब्सक्राइब कर, माथा टेको, घंटा बजाओ और हमारी फैमिली में आ जाओ, क्योंकि हमारी फैमिली होना बहुत ज्यादा हार्ड है यार। वैसे आइडिया बुरा नहीं है गॉड, और जब चिकन डिनर दिला ही देंगे तो रानी प्रसन्न है, तो डांस तो दिखाना ही बनता है। तो अगर KPS का डांस देखना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वैसे इस बार पूरा वॉच टाइम मिलने वाला है, मुझे ही पता है। तो दूसरी बार RPG का शिकार होते 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 बच गए यार, राजा रानी का बहुत सही सहयोग, दोनों शहीद होते होते सेनापति को बचाया और फिर सेनापति ने सबको बजाया। उसके बाद राजा रानी को रिवाइव देते हैं, क्योंकि भाई उनके बिना विरंगा में राज करना मुश्किल है, ओल्ड बेसिन तो हमारा हो गया है लेकिन अभी पूरे विरंगा में राज करना बाकी है। तो इन दोनों को फटाक से रिवाइव दिया, अब लास्ट बंदा बचा, देखते हैं कहाँ है वो। राजा को मरने दो, सही है, राज्य में मिल जाएगा हमें। नहीं मर गया, नहीं बच गया, अब सिर्फ एक बंदा है रानी को बचाने। तो रानी की नियत तो मुझे पहले सही नहीं लग रही थी, मतलब राजा को मारने का फुल प्रयास किया जा रहा था, तो हमको क्या करना है, हमको तो रानी से मतलब है ना यार। तो मिल गया है चिकन डिनर, तो मतलब समझ रहे हो, राजा को कल्टी करते हैं और रानी को लेके यहाँ से रफू चक्कर होते हैं यार, क्योंकि नाच मेरी रानी तुझे पैफा मिलेगा, ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा इंजॉय कर लिया मैंने, तो फिर रानी का डांस इंजॉय करो यार। इसके पिछले वाले वीडियो में विनर पास के गिव अवे की बात की गई थी, तो 5 तारीख को 5:05 में विनर पास का गिव अवे किया जाएगा हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट में लाइव आकर, और अगर किसी कारण से लाइव नहीं आ सके तो IGTV में वीडियो अपलोड कर देंगे जिसमें क्लियर कट तुमको दिख जाएगा कि भाई सच्ची सच्ची में विनर पास का गिव अवे किया गया है। तो मिल गया चिकन डिनर, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नया सब्सक्राइब कर, माथा टेको, घंटा बजाओ और हमारी फैमिली में आ जाओ, क्योंकि हमारी फैमिली होना बहुत ज्यादा हार्ड है यार। और हाँ, सेकंड चैनल इंस्टाग्राम की डिस्क्रिप्शन में जल्दी जाओ, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, कि बैकअप ऑलवेज रेडी। तो मिलते अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।